बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज की कुछ खास खबर देखते हैं। चोरी की आरोपी महिला को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वर्ल्ड कप से पहले सामने आई टीम इंडिया की चार कमजोरियाँ। पत्नी की खुदकुशी से आहत पति ने भी दी जान, पुलिस कर रही है जांच। अब खबरें विस्तार से। समय पूर्व बादली में प्रेशर कुकर बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि पिटाई के बाद शबीना की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ परिजनों ने एक सब इंस्पेक्टर पर महिला की पीट कर हत्या करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वह कूड़ा बीनने का काम करती थी। बुधवार सुबह वह अपने साथ पांच अन्य महिलाओं को लेकर फैक्ट्री में घुसी। फैक्ट्री में लोगों ने दो महिलाओं को चोरी करने के शक में दबोच लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान अन्य महिला वहां से फरार हो गई। आगे की जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेले गए पांचवे और आखिरी मैच में भारतीय टीम को 35 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज 2-3 से गवा दी। बता दें कि इस मैदान में भारत ने 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खाई है। वर्ल्ड कप से पहले ही इस हार ने टीम इंडिया की चार कमियों को उजागर कर दिया है। नई दिल्ली राजा पार्क इलाके में पत्नी की खुदकुशी करने से परेशान युवक ने बुधवार को फांसी लगाकर जान ली। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार वालों का कहना यह है कि पत्नी की मौत के बाद से वह काफी परेशान रहता था। उसकी 6 माह की बेटी है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप कर मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।